जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का हम सभी सुहागिन महिलाओं को इंतज़ार रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस दिन मनाया जाता है करवा चौथ। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। इस दिन हम सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनकी तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही अपने व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, लेकिन उनके लिए नियम कुछ अलग होते हैं। अगर आप कुंवारी कन्याओं के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत के नियमों को जानना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में लिखकर भेजना होगा। मैं आपके साथ उस वीडियो को ज़रूर शेयर करूंगी। इसी के साथ जो भी सुहागिन महिलाएं मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, मेरी उन सभी महिलाओं से विनती है कि माँ करवा को ध्यान रखकर हाथ जोड़कर मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता करवा लिखकर जरूर भेज दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी तिथि की शुरुआत और समापन कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ कब है। इस साल 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर होगी और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। इस हिसाब से करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ समय क्या है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से लेकर शाम को 7:57 तक का है। वहीं चंद्र उदय का समय लगभग रात को 7:54 पर रहेगा। तो दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। व्रत त्यौहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।